तो स्टेप्स फॉर राइटिंग के बारे में हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था। Yes. हाँ हाँ बोलिए। मॉर्निंग तो हम लोग लास्ट क्लास में स्टेप्स फॉर राइटिंग के बारे में कवर किए थे। राइटिंग के लिए क्या स्टेप्स होता है, पहला काम हम लोगों ने सीखा था अपने टॉपिक को सिलेक्ट करना होता है, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होता है, फिर कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना होता है, फिर गुड मॉर्निंग कंटेंट सर। मॉर्निंग कंटेंट को ऑर्गेनाइज जब हम करते हैं तो ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें कुछ मेथड्स जो है वो फॉलो करते थे। जैसे रे डायग्राम आपका है, उसका सिक्वेंशियल फॉर्म है, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए जिधर से भी साउंड आ रहा है। हाँ तो टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, फिर रे डायग्राम। तो रे डायग्राम में हम लोग मेन टॉपिक को जो है सो सर्कल के भीतर रखते थे और जो भी सब पॉइंट्स हैं उनको सर्कल के आउटसाइड रखते थे जो फीचर। इसके बाद हम लोगों ने सिक्वेंशियल फॉर्म मीन्स किसी चीज को जब अरेंज करना होता है सिस्टमेटिक ऑर्डर में, तो हम लोगों ने ये हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट सीख रहे हैं अभी। पहला रे डायग्राम, दूसरा सिक्वेंशियल फॉर्म एंड थर्ड वन कंपेरिजन एंड कंट्रास्ट। कंपेरिजन एंड कंट्रास्ट में सिमिलर डिसिमिलर करने के लिए, लाइक डिफरेंट करने के लिए एंड प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस। ये फोर्थ वन है, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस फोर्थ वन। जब ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट करना है तो इस मेथड से करेंगे। जो प्रॉब्लम है सपोज COVID-19 एक प्रॉब्लम है, तो इसका क्या क्या सॉल्यूशंस है, तो वो हम लोग जब भी राइटिंग करना होगा तो सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर लेंगे, हम लोग राइट अप कर लेंगे, जस्ट डाउन करेंगे एंड देन राइट अप करेंगे कॉज एंड इफेक्ट। अब COVID-19 है तो इसका कॉज क्या हो सकता, क्या है एंड इसके इफेक्ट क्या है, इस और क्या क्या सिचुएशंस आ सकता है, इफेक्ट वन, इफेक्ट टू, इफेक्ट थ्री। इस तरह से राइटिंग करने के लिए जब ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट करना हो तो हम लोग करते। तो स्टेप्स फॉर राइटिंग में हम लोगों ने सीखा था टॉपिक, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, इसके बाद राइटिंग करना होता है, रिवाइजिंग करते हैं हम लोग, एडिटिंग एंड प्रूफिंग करते हैं, पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग करते हैं। स्टाइल्स ऑफ राइटिंग लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो पॉइंट्स को कवर कर लिया था, एक्सपोजिटरी एंड पर्सुएसिव। एक्सपोजिटरी क्या होता है, यह एक्सप्लेन करता है या इलस्ट्रेट करके चीजों को जब लिखता है, जब इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना होता है, खासतौर से एक्सपोजिटरी का जब हम किताब लिखते हैं, टेक्स्ट बुक लिखते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, इनसाइक्लोपीडिया, ऐसे रिपोर्ट्स इटीसी। और दो राइटिंग लिखा हुआ है, राइटअप लिखा हुआ है ताजमहल के बारे में जो हकीकत फैक्ट्स पे बेस है, प्लस मेमोरी के बारे में, दोनों फैक्ट्स पे बेस है। तो इस तरह के राइटअप को हम लोग एक्सपोजिटरी राइटअप कहते हैं। एंड दूसरा है परसुएसिव एंड आर्गुमेंटेटिव। इसमें जब हम किसी को कन्विंस करते हैं या इन्फ्लुएंस करना होता है ऑन सर्टेन आइडिया, तो परसुएसिव राइटअप होता है। इसमें जो राइटर होता है वह परसुएट्स करता है रीडर को एक्सेप्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू आर्गुमेंट्स सपोर्टेड बाय रीजनिंग एंड फैक्ट्स। यह एडिटोरियल्स आप खास तौर से जब न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में जो संपादक की लेख होती है वो कहीं ना कहीं जो रीडर होते हैं उसको परसुएट करने का कोशिश करता है, या अक्सर आप पॉलिटिकल लीडर्स के भाषण सुनते हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं जो है सो स्पीच जो होता है आपको परसुएट करता है। फिर बिजनेस आइडिया, जब हम लोग बिजनेस आइडिया किसी के साथ शेयर करते हैं तो वहां भी परसुएशंस होता है। कंप्लेंट्स अगर हम किसी को कर रहे हैं तो
तो बताते हैं अपना ग्रीवांसेज बताते हैं और सामने वाले को बताते हैं रियली हमको प्रॉब्लम हुआ है एंड किसी चीज को क्रिटिकल एनालिसिस या फिर रिव्यू जब होती है बुक फिल्म इवेंट्स की। एक राइटअप है सेफ्टी फर्स्ट इन मोबाइल यूज। ये मोबाइल यूज ठीक है आपके पर्सनालिटी को डेवलप करता है। आप यहाँ पे बहुत सारे चीज फैसिलिटीज है बट इसके साथ साथ बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर आप ड्राइविंग के वक्त मोबाइल फोन यूज करते हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये जो राइटअप है सेफ्टी फर्स्ट इन मोबाइल यूज या पर्सुएसिव है, इसके द्वारा जो राइटर है वो पर्सुएट करने का कोशिश कर रहे हैं रीडर को जो आप मोबाइल फोन यूज मत कीजिए, टॉकिंग ऑन द फोन एंड वॉकिंग मत कीजिए, यह डेंजरस है आपके लिए भी है और दूसरों के लिए भी। क्या होता है हम लोग जब ड्राइविंग करते हुए फोन पे बात करते हैं तो हम लोग ऐसे इनग्रॉस हो जाते हैं बात में जो हम लोग नोटिस करना भूल जाते हैं ट्रैफिक पॉट होल्स अदर। तो बेटर नॉट टू यूज मोबाइल फोन व्हेन ड्राइविंग। तो दो राइटिंग पढ़ा हम लोगों ने, एक स्टाइल्स ऑफ राइटिंग एक्सपोजिटरी एंड दूसरा पर्सुएसिव। आज जो पढ़ने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नहीं किया था। अभी तक मैं रिविजन करा रहा था, रिविजन का यही तरीका है मेरा। अभी बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव होता क्या है। डिस्क्रिप्टिव जब किसी चीजों को बहुत एक्सप्लेन करना होता है डिस्क्राइब करना होता है तो अपने डिस्क्रिप्टिव मोड में जाते हैं। यह स्टाइल्स जो होता है यह स्टाइल्स डिस्क्रिप्शन किसी भी चीजों का जब वर्णन करना होता है। और वर्णन क्या किस चीजों का, एक्शन किसी कार्य का हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है और किसी इवेंट का हो सकता है और किसी सेंस का हो सकता है। कोई चीज आपको बहुत अच्छा सेंस लगा उसके बारे में आप डिस्क्रिप्टिव बयान कर सकते हैं, कहीं गए कोई भी सीन देखे तो आप डिस्क्रिप्टिव बन सकते हैं। एक्सपोजिटरी एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या होता है, ए बोथ क्या करता है, इंटेल डिस्क्राइबिंग व्हाट इज बीइंग रिटन अबाउट, व्हाट इज बीइंग रिटन अबाउट, बट अ डिस्क्रिप्शन इज मोर डिटेल्ड। जब बहुत ज्यादा लिखना हो, बहुत पर्सनल एंड सब्जेक्टिव होके लिखना हो तो हम लोग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में जाते हैं। यहां पे फिगर्स ऑफ स्पीच एंड अलाउज द रीडर टू सेंस सी एंड फील एवरीथिंग दैट ए पर्टिकुलर फिनोमिनन इवोक्ड इन द राइटर। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अंदर में यह अलाउ करता है रीडर को, क्या करता है, अलाउ करता है रीडर को जो सेंस करे एंड सी करे, सेंस सी एंड फील एवरीथिंग उस पार्टिकुलर फिनोमिनन में, पार्टिकुलर कंडीशंस में, सिचुएशंस में जो इवोक्ट होता है। अब हम लोगों ने अभी तक तीन के बारे में जाना, एक्सपोजिटरी पर्सुएसिव एंड डिस्क्रिप्टिव। अब बात डिस्क्रिप्टिव, अब डिस्टिंग्विश करना है एक्सपोजिटरी एंड डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशंस में। इसके अंदर में रीडर जो होते हैं उसको एसेस करना होता है जो राइटिंग मोर सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, मोर सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। एक्सपोजिटरी राइटिंग जो होता है इम्पार्शल होता है एंड बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बातों को गौर से ध्यान देंगे, डिस्टिंग्विश किया जा रहा है यहाँ पे इसके बीच में एक्सपोजिटरी एंड डिस्क्रिप्टिव के बीच में। एक्सपोजिटरी जो होता है इम्पार्शल होता है, मतलब कोई बायस नहीं होता है, इम्पार्शल होता है एंड फैक्ट्स पे बेस होता है, जो कहा जो जो फैक्ट्स मिलता है उसको राइट अप हो जाता है। बट जो बच्चे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है यह पर्सनलाइज्ड होता है, क्या होता है, पर्सनलाइज्ड।
और डिस्क्रिप्टिव राइट टाइप ऑफ राइटिंग जो कॉमन है जब कविता लिखनी होती है, पोएट्री करनी होती है, डायरीज लिखना होता है, जब पार्ट्स ऑफ लार्जर स्टोरीज बड़ी कहानियां लिखनी होती है, नॉवेल्स लिखना होता है, एंड ट्रेवल ट्रेवल लोग, इसका मतलब होता है जो ट्रेवल की कहानियां, ट्रेवल की कहानियां मीन्स बहुत सारे लोग अमेरिका से निकलते हैं और साइकिल से भ्रमण करते हुए इंडिया पहुंच जाते हैं, तो इसमें एक किताब लिखी जाती है, तो ये भी एक तरह का, और वो अपने पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस उस बुक के अंदर में लिख डालते हैं, तो ऐसे राइटिंग को ट्रेवलर कहते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में यहाँ एक सैंपल दिया हुआ है, ट्यूनल, ट्यूनल के बारे में लिखना है। ट्यूनल क्या होता है, जब भी आप रोड से या रेलवे से सफर करते हैं तो ट्यूनल के आप गाड़ियां पास करती है, एंड दूसरा राइटअप जो है आप लोग इस हेल्प करेंगे, कठिनाई होगी तो इसके बाद वाले क्लास में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अब आप लोगों के भी ऊपर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ने की। अब स्पून फीडिंग मैंने बंद कर दिया है। द परफेक्ट समर हॉलीडे होम, ये भी एक राइटअप है, आपको इसको पढ़ना है और इस राइटअप को समझना है। यह राइटअप जो किया गया है आपको, यह बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव राइटअप, तो आपको ये चीज समझना होगा पढ़ के, रीडिंग करके, जो क्या फर्क होता है एक्सपोजिटरी राइटअप में एंड डिस्क्रिप्टिव राइटअप में। एक्सपोजिटरी राइटअप में अगेंस्ट बात बोल रहा हूं, फैक्ट्स पे बेस होता है, एंड डिस्क्रिप्टिव जो होता है पर्सनलाइज होता है। अब आते हैं नैरेटिव, नैरेटिव राइटिंग के बारे में बात करते हैं। नरेट करना, किसी चीजों को कहना, जैसे जो घटना घटी आप किसी को कहानी सुनाते हैं, नरेट करते हैं, या आप घर से निकले और क्लास में आने में देर हो गई तो आप नरेट करते हैं सिचुएशंस को। नैरेटिव राइटिंग जो होता है या स्टोरी टेलिंग एंड नैरेटिंग टेल है, कंप्लीट विथ कैरेक्टर्स एक्शंस डायलॉग प्लॉट एंड सेटिंग। यह एक्शंस हो सकता है, डायलॉग हो सकता है, प्लॉट एंड सेटिंग हो सकता है। यह फिक्शनल, इट इज यूजुअली फिक्शनल बट कैन बी नॉन फिक्शनल एज वेल। कोई जरूरी नहीं है जो नैरेटिव राइटिंग फिक्शनल ही होगा, दोनों हो सकता है। अगर यह किसी रियल लाइफ के बारे में बोलता है, किसी अगर डिपिक्ट्स करता है रियल लाइफ के बारे, रियल लाइफ इवेंट एंड स्टोरीज के बारे में बात करता है, तो इसे बोलेंगे नैरेटिव राइटिंग। अगर पर्सनल एंड इमेजिनेटिव है, नैरेटिव राइटिंग जो होता है पर्सनल एंड इमेजिनेटिव होता है, इट इज ओरिजिनल होता है, सेल्फ एक्सप्रेसिव होता है। इस कंडीशंस में राइटर्स अटेम्प्ट करता है, रिलेट करता है यूनिवर्सल ट्रूथ थ्रू पोएट्री एंड टेलिंग स्टोरीज। कौन सा टेक्निक इसके अंदर में इस्तेमाल होता है, फॉलो टेक्निक्स यूज इन नैरेटिव राइटिंग। यहां पे डेवलप करना होता है इंटरेस्ट को, वेल फ्लेश्ड आउट एंड राउंडेड कैरेक्टर्स। इसके बाद हम लोग इस पे प्लॉट करते हैं, स्टोरी नोवेल नैरेट एंड वेल डेवलप करते हैं। प्लॉट करना, कहानी को प्लॉट करना, और इसके अंदर में जो सेटिंग्स होती है, देखिए नरेट करना है पोएट्री के द्वारा,
तो पोएट्री आप लोग अच्छे से समझते हैं कैसे नरेट किया जाता है चीजों को, विविड एंड वाइब्रेंट होना चाहिए, एक शब्द में अनेक बातों लिखी जाती है। यहाँ पे रीडर जो होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है प्लेस एरा व्हाइल रीडिंग अबाउट इट, किस समय की वो लिखी हुई डिस्क्रिप्टिव है उसके अकॉर्डिंगली अपने को रीडर को समझना होता है। अगर 1980 की बुक लिखी हुई है, पोएट्री लिखी हुई है, तो 1980 में जाना होगा। अब यहां पे देखना होता है थीम। थीम जो है सो आइडेंटिफाइएबल होना चाहिए, और थीम के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और इसमें ये ध्यान देना होता है राइटर को जो एक बार में बहुत सारी बातें को मैसेज को ना डाले, not try to don't try to convey too many messages in one narrations or main thrust is lost in too many themes and sub themes. Theme bhi jo hai so ek hi rakhna hoga. बहुत ज्यादा थीम रखने से क्या हो सकता है, जो आपका डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव कर रहे हैं वह लॉस्ट हो सकता है, आप लूज कर सकते हैं, जो मेन थ्रस्ट है वह खोया जा सकता है। आपको अपनी जो पॉइंट कहने हैं ल्यूसिडली करने, मतलब लयबद्ध होना चाहिए पॉइंट्स, ऐसा नहीं अरेंज सिस्टमेटिक ऑर्डर में होना चाहिए। और डायलॉग जो है सो ब्रेक, इंक्लूड डायलॉग्स टू ब्रेक मोनोटोनी ऑफ नरेशंस, मींस जो आप डायलॉग यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ब्रेक करना होगा। ब्रेक क्यों करना होगा, क्योंकि जो रीडर है वह मोनोटोनी हो सकता है, उसको पढ़ते पढ़ते थकान आ सकता है। तो आपको थोड़ा सा जब नरेट करना हो, नरेटिव राइटिंग करना हो, तो आप वहां पे आपको कुछ ऐसे डायलॉग्स मारने होंगे जिससे उसके अंदर एक रीडर के अंदर थोड़ी सी परिवर्तन। नरेट कैसे करना है, जैसे कैरेक्टर को या बिल्ड इंटरेस्ट ऑफ द रीडर, डिफाइन कैरेक्टर्स एंड बिल्ड इंटरेस्ट ऑफ द रीडर। आपको इनकॉर्पोरेट करना होगा एनी कोट्स का मतलब होता है जब किसी जगह स्थिति व्यक्ति के बारे में जब हम वर्णन करते हैं उसी को एनेक्डोट्स बोलते हैं। और यह ओरल नरेशंस इज एन इफेक्टिव डिवाइस इन बिल्डिंग क्यूरियोसिटी and holding attentions of the hearers and readers. Metaphors and smiles adds to the beauty of language. अपने को metaphors and smiles use करना है. Figures of a speech put in the sugar and a spice in the storyline. मिस मिर्च मसाला डालना है, इमेजिनेटिव होना है, इमेजिनेटिव लैंग्वेज को यूज करना है। क्वाइनिंग योर वर्ड्स ग्रुप्स फिगर्स ऑफ ए स्पीच इज द क्रिएटिव लाइसेंस ऑफ द राइटर। जब राइटर इमेजिनेटिव होके किसी चीजों को वर्ड को ग्रुपिंग करते हैं तो ये बहुत बड़ा उनके लिए, जो जितना बेहतर राइटर है वह इस बात पे डिपेंड करता है जो इमेजिनेटिव अपने लैंग्वेज को कैसे वो ट्वाइनिंग करते हैं वर्ड्स को ग्रुप्स को। और आपको राइटर को यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव में इमोशनल अपील करना होता है, ये सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ राइटिंग। इसके बाद है डिटेल एंड एलाबोरेट डिस्क्रिप्शन क्रिएट मेंटल इमेज ऑफ द सेटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पढ़ के रीडर को एक मेंटल इमेज ऑफ द सेटिंग कैरेक्टर प्लेस आ जाता है। और यह डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कहाँ यूज होता है, इन चीजों को आपको याद रखना है, एक्सपोजिटरी, पर्सुएसिव, इसके बाद जो है सो आपका डिस्क्रिप्टिव। तो कहाँ पे मिस डिस्क्रिप्टिव अगर राइटअप है तो कौन सा राइटअप हो सकता है, हम लोग जब नोवेल लिखते हैं, स्क्रीन स्क्रिप्ट्स लिखते हैं किसी मूवी का, किसी प्लेज के बारे में अगर लिखते हैं, कैसे नाटक खेलना है,
कोई कहानी जब लिखनी होती है, किसी लेजेंड के बारे में कुछ बोलनी होती है, लिखनी होती है, किसी पोएम को लिखना होता है, किसी व्यक्ति के बारे में ऑटोबायोग्राफ्स या बायोग्राफिक्स लिख, कोई व्यक्ति खुद अपने बारे में कुछ लिखता है, किसी याददाश्त के बारे में लिखना है, किसी सॉन्ग्स के बारे में लिखना है एंड पर्सनल एसे लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्टिव राइटअप करते हैं। सैंपल वन, लाइफ एट क्रॉस रोड्स। एक व्यक्ति अपने बारे में लिख रहा है और यह इसके अंदर में ऑटो के अंदर में आएगा, वह खड़ा होता है क्रॉस रोड्स पे वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस ओवर टू अदर साइड। तो इस राइटअप को भी आप लोग सारे बच्चे रीड करेंगे, रीड करने के बाद इसको समझने में कहीं कठिनाई होती है तो अपने से पूछेंगे। अभी अब सिग्निफिकेंस ऑफ राइटिंग फॉर स्टूडेंट्स। राइटिंग क्या होता है? किसी भी एजुकेशन प्रोसेस के लिए यह एसेंशियल पार्ट होता है। गुड राइटिंग स्किल इज की टू सक्सेस इन एकेडमिक लाइफ। तो बच्चों आप लोग राइटिंग स्किल पे फोकस कीजिए, जिनका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा है गुड एनफ। अब राइटिंग इफेक्टिव इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। व्हाई इज राइटिंग इफेक्टिवली इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स? एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइटिंग जो है सो इफेक्टिव है, इफेक्टिवली इंपॉर्टेंट है फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि यह इंप्रूव्स करता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को। राइटिंग इज टूल फॉर एक्सप्रेशंस एंड कम्युनिकेशंस। इसके द्वारा हम अपने को एक्सप्रेस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। एंड इफेक्टिव राइटर इज स्किलफुल एंड कंफर्टेबल इन एक्सप्रेसिंग हिज हर थॉट्स एंड फीलिंग्स। यह हेल्प करता है स्टूडेंट्स को रिव्यू एंड रिमेंबर। अगर अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसके बाद आपके पास जो राइटअप है उसको आप रिव्यू करेंगे एंड रिमेंबर करेंगे रिसेंटली लर्न मटेरियल को, आप क्लास में जो नोट्स लेते हैं, तो इट इज एन एक्सलेंट वे टू रीइंफोर्स न्यूली लर्न मटेरियल। रिकॉल कर सकते हैं लेसन पॉइंट्स को। और मीन्स बाय व्हिच एजुकेटर्स असेस स्टूडेंट्स लर्निंग, रिटन असाइनमेंट के द्वारा हेल्प टीचर्स असेस द कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स। इनकरेज क्रिएटिव एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्लोरेशंस। अगर किसी के अंदर में कोई क्रिएटिविटी है तो वह राइटअप के द्वारा ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है या एक्सप्लोर करता है। यह स्टूडेंट्स को हेल्प करता है टू डेवलप क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशंस एंड एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज, इम्प्लाई प्रॉब्लम एंड सॉल्व टेक्निक। और सारे चीजें राइटअप की वजह से भी एक्सप्लोर हो पाता है। तो राइटर के द्वारा यह स्टूडेंट्स को इनकरेज करता है जो आप क्रिएटिव बने, कैसे डेवलप करेंगे क्रिएटिविटी को, इमेजिनेशंस को एक्सप्लोर करेंगे पॉसिबिलिटी को एंड प्रॉब्लम को इम्प्लॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्निक्स को हम लोग लगाएंगे और एंगेज इन स्टोरी टेलिंग। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत जरूरी है राइटिंग, किसी चीजों को समझना होता है। आज की डेट में बता दूं कोई बहुत सारे परिवर्तन कानून में होते रहते हैं, लॉ में होते हैं, डिजिटल मोड में होते रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कहाँ से लाते हैं, उसको रीड करते हैं कोई भी चीजों को, और रीड करने के बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो वन ऑफ द बेस्ट वेज टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इज टू राइट एन असाइनमेंट, असाइनमेंट के द्वारा। और जब आप किसी चीजों पे बिगिन करते हैं, सर्च फॉर रेलिवेंट कंटेंट एंड ऑर्गेनाइज इट लॉजिकली, तो उससे क्या होता है, कंसेप्ट बिकम्स क्लियर। और बच्चे में बता दूं, इसीलिए आप देखते हैं खासतौर से एमबीए कोर्स या अभी तो 11th 12th में भी असाइनमेंट का कुछ आप लोगों को असाइनमेंट दिया जाता है एग्जाम के समय। बट एक समय में सीए इंस्टीट्यूट्स और भी सारे प्रोफेशनल असाइनमेंट बेस हुआ करते थे। उस समय में आपके स्टडी मटेरियल के लास्ट में हुआ करता था टेस्ट पेपर, और वह टेस्ट पेपर आपको राइटअप करके असाइनमेंट के तरीके से उसको भेजना पड़ता था इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट उसको इवेल्युएट करती थी, तभी आपको एग्जाम में बैठने दिया जाता था। बट वो क्या था, कॉपी पेस्ट मोड था, बच्चे एक दूसरे बच्चे से लेते थे, राइटअप करते थे और भेज देते थे इंस्टीट्यूट को। तो इंस्टीट्यूट ने देखा बच्चे जिस पर्पज से है वो हो नहीं रहा है और टाइम इन्वॉल्व भी है, तो इंस्टीट्यूट ने उस मोड को खत्म, सारे इंस्टीट्यूट ने असाइनमेंट मोड को, खासतौर से मैं प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं, अब वो लोग नहीं लेते हैं। हमें भी याद है जब मैं फाइनल का था तो 40 पेपर मीन्स 41 का 3 असाइनमेंट, 9 पेपर, 36 पेपर्स लिखने थे, बहुत 2 महीना भी लग जाता है इसमें। और क्रिएटिव राइटिंग जो है सो हेल्प करता है अतर को अंडरस्टैंड हिज हर थॉट्स एंड फीलिंग्स, फ्यूचर कैरियर प्रोस्पेक्ट। एम्प्लॉयर्स आर इंक्रीजिंगली कंप्लेनिंग द लैक ऑफ एडिक्वेट कम्युनिकेशन स्किल्स जी अमंग्स यंगस्टर्स। 10 मिनट बचे हुए सेशन, ऑटोमेटिकली हम लोग गिट हो जाएंगे। अक्सर यह देखा गया है जो क्वालिफाइड बंदे होते हैं बट उन्हें एक राइटअप, एक लेटर नहीं लिखने आता है सही से, अगर एप्लीकेशन बोला जाए तो सिस्टमेटिक मैनर में। तो पोजेसिंग गुड कम्युनिकेशन इज प्रीरिक्विजिट, यह बहुत जरूरी है। अगर किसी भी बच्चे को अपने कैरियर को ग्रोथ करना है, एक्सेल करना है, अक्सर एक सवाल आता है जो एक सीए बनने के बाद कितना अर्न करेगा, ये डिपेंड करता है आपके राइटिंग स्किल पे और टोटल ओवरऑल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, आप अपने आप को कितना मार्केटिंग कर पाते हैं। एग्जाम पास आउट होना इज ए सेपरेट इश्यूज एंड अर्न करना इज ए सेपरेट इश्यूज। वहीं पे किसी का एक महीने का पैकेज 30,000 होता है, किसी का एक महीने का पैकेज 30,00,000 होता है। डिपेंड्स ऑन कम्युनिकेशन स्किल, नथिंग एल्स। आप चीजों को कैसे, आपकी नॉलेज है उसको कैसे शेयर करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। एबिलिटी टू राइट वेल, आपको ये डेवलप करना होगा। आपकी एबिलिटी टू राइट वेल कैन हेल्प यू टू गेट सेलेक्टेड फॉर ए पार्टिकुलर जॉब एंड इज हेल्पफुल इन योर फ्यूचर कैरियर ग्रोथ। जी बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड बिजनेस राइटिंग, फीचर्स ऑफ गुड बिजनेस राइटिंग, फीचर्स ऑफ गुड बिजनेस राइटिंग। क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस क्या होना चाहिए, क्लियर एंड इफेक्टिव होना चाहिए। एंड दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन बिजनेस कम्युनिकेशंस। बिजनेस कम्युनिकेशंस में तो बहुत जरूरी है क्लियरनेस, और ये
इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने के लिए क्या क्या फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स नीड है टू बी टेकन केयर ऑफ इन बिजनेस राइटिंग। जब हम बिजनेस राइटिंग करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला चीज क्लियर पर्पस, बिल्कुल सही। अक्सर जब बच्चे जवाब देते थे पूछता हूं आप किस बारे में बोल रहे हैं, टॉपिक पूछा रहता है कुछ और बात, जवाब देना कुछ और चालू कर देते हैं। तो पर्पस मालूम होना चाहिए आपको। पीपल वर्किंग इन द फास्ट पेस्ड वर्ल्ड हैव बिजी शेड्यूल्स, टाइमलाइंस, टाइम के अंदर में पूरा करना होता है, एंड नो टाइम टू वेस्ट। Therefore, while drafting any written piece, ensure that there is absolute clarity about your purpose for writing. बिल्कुल, जो कुछ ambiguous है या confusing है, ambiguous है या confusing है, आप उसको trash bin में डाल दीजिए। Writing में मत डालिए, trash bin में डाल दीजिए, कचरे के डब्बे में। जो आप राइटिंग करते हैं वर्थ होना चाहिए, वर्थ, एक लाइन ही बट वर्थ वाला होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल लिया था इनकम टैक्स का नोटिस कंप्लायंस का, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है, ओनली टू लाइंस, ओनली वन सेंटेंस, एंड वन सेंटेंस जो इंपैक्ट ला सकता है, आप वन पैराग्राफ लिख के वो इंपैक्ट नहीं आ सकता है। और